पानी का थोड़ा इंतजाम कीजिए। दोनों ही टीम के 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स पे प्लीज भेज दिया जाए। अकोला हेलो, अंपायर से गुजारिश है मैच जल्दी चालू कराइए प्लीज सर, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। दोनों टीमों से गुजारिश है, कप्तानों से गुजारिश है, 12th मैन यहां पर बहुत कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजने की कृपा करें। ओमन इलेवन हाँ आगे चुके हैं ओमन इलेवन और दूसरे आ चुके हैं हमारे दोनों, जो कि ओमान इलेवन अकोला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों उमर कांग्रेचुलेशन, अगली मैच आओ बिलगांव के एक एक्स्ट्रा प्लेयर 12th मैन यहाँ आ जाए। आज का पहला दिन RPCL रॉयल प्रीमियर क्रिकेट लीग सीजन 6 के बीच में आज का दूसरा मुकाबला, जो कि ओमर इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। देखना है 8 ओवर में कितने रन जुटा पाते अपने टीम के लिए। शारिक नौ स्ट्राइक पर है। ये अपडेट तो कर दो, ये अपडेट कर दो, ये तो पुराना दिखा रहा है। अनमोल यादव बोला आज के हमारे अंपायर है टोनी और नवीन भाई। इसी वजह से 30 खिलाड़ी मौजूद है। बॉलर नेम प्लीज। वो काफी अच्छी गेंद बॉल फेंकते हैं, उनको ऐसा कमांड करोगे तो रुकेगा। बॉल डालते समय थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अनमोल बता चुका है वो डॉट बॉल बिंदी गेंद, एक अच्छी शुरुआत अनमोल द्वारा। ओ, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर गली के स्थान पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग की। फिर से डॉट बॉल, फिर से बिंदी गेंद लगातार आ गया। उमर इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दीवार की तरफ खड़े थे वहां पर, बिल्कुल रन लेने का सवाल ही नहीं। डॉट बॉल, काफी अच्छी फील्डिंग वहां। डॉट है
इनिंग स्टार नाम है, टीम का नाम इनिंग स्टार है। इनिंग स्टार है ना भैया? इनिंग स्टार है, इनिंग स्टार, इनिंग स्टार बिलगांव की टीम है, इसलिए बिलगांव टीम। शानदार स्ट्रोक, शानदार तरीके से खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, चीटी के समान गेंद पर जपते और लेकिन रोक नहीं पाया सीमा रेखा के बाहर। और हमारे अंपायर नवीन चंद्र का एक अलग स्टाइल है चार रन देने का, और अपना खाता खोला चार रन के साथ। स्टार वाइज भिलगांव, नाम स्टार और काम भी स्टार की तरह करेंगे वो। ओह काफी अच्छी कोशिश की विकेट कीपर ने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लर्स डरकर नौका पार नहीं होती। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पांच रन। हाँ हमारे बीच में एक अच्छे मॉलिश वाले जो कि मनोहर भाई, जिनको कुछ मॉलिश करना है केवल 100 रुपये में। वो गेंद हवा में, लेकिन इतनी भी हवा में नॉर्मल लैंड की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन, आंखों आंखों में इशारा करते एक रन चुरा लेने में माहिर है। और टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन, लेग का इशारा अंपायर नवीन हटके इशारा करते हुए। आरपीसीएल में पहली बार जो कि मॉलिश मनोहर भाई जो कि ब्लाइंड है, उनका कुछ एक केवल 100 रुपये में मॉलिश, इससे ब्लड सर्कुलेशन, मोच, पीठ का दर्द पूरा करते हैं मॉलिश वाले हमारे मनोहर भाई। रन आउट का मौका है यहाँ। क्या बोल रहे, क्या हुआ? मेरे को व्हाट्सएप करते ना, मैं मैच में। धीरज और आमिर दोनों ओपनिंग बल्लेबाज के लिए आ चुके हैं। बहुत ही शानदार निश्चित तौर पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इसी का मौका ताड़ा रिवर्स स्वीप के द्वारा जिस तरीके से एबीडी विलर छक्का मारते उस तरीके से मार दिया उन्होंने 6 रन के लिए। मौका ताड़ा के उठा के दिया शानदार तरीके से। डॉट बॉल वापसी हो करते हुए गेंदबाज, काफी धीरज जाधव और अमीर। अरे भैया नाम इस पे ऐसा मत लो ना यार, उनके का तुम्हारे कारण वो देखो डिस्टर्ब हो रहा मैच। आप पहले पता करो। मालूम है, मालूम है। अरे यार हमें भी बातें कर रहे हो। मालूम है ना, ये मालूम है। ओहो एक रन, बहुत ही शानदार अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, आंखों को इशारा किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया नास्टैक बल्लेबाज ने और एक रन लेने में कामयाब हुए। किसने फोन किया था? टोनी भाई। अभी ने धीरज बोल दिया था ना, बलतर सिंह बोल रहे थे, धीरज बोल दिया था। बैट्समैन का नाम आमिर और शारिक है। अरे यार इसीलिए
मैं बोला यहाँ पर धीरज लिखा हुआ है, गेंद सीमा रेखा हुआ, चार रन के लिए चिप क्रॉस कर, नहीं रोक पाए थे, शानदार तरीके से बहुत ही शानदार कैच, इस विन मैच इसलिए वो क्या जीतो मैच। पहला विकेट का पत्ता काफी अच्छी पारी खेले थे, एक छक्का लगा चुके थे, पारी आगे बढ़ाते नहीं हुए और पवेलियन में जा रहे हैं। उमर 11 अकोला वर्सेस स्टार वाइज भिलगांव के बीच में आज का है दूसरा मुकाबला। जुनेद आया बैटिंग पर, जुनेद पठान, जुनेद पठान उनकी जगह लेने आए हैं, देखने अपनी टीम के लिए कितने रन जुटा पाते अपनी टीम के लिए। जुनेद पठान साहब आमिर आउट हुआ है, इस पारी का दूसरा छक्का, अपने आप पे मौका ताड़ के खेल दिया छह रन के लिए, अच्छी शुरुआत की है उमर 11 ने लगातार। आरपी टोनी भैया दो मिनट के लिए मैच, सेकंड ओवर किसने डाला था? शारिक खान और आमिर, आमिर और शारिक, नहीं वो बैट्समैन का नाम लोचा बस हो गया था, ये हमने वो पहला जो हां हां इतनी हां बैठने के बाद में जल्दी कर वो, वाह वो दे कर देना, बता देना। हां हां अच्छे कर ले, और किसने डाला पहला ओवर? अमोल ने, दूसरा किसने, दूसरा बॉल ने क्या था, कौन सा यादव था किसी ने भैया, दूसरा दिनेश यादव था ना, दिनेश दिनेश पहला अमोल यादव ने डाला, पहला अमोल यादव ने डाला, पहले अमोल है दूसरा दिनेश चालू करा रहे, ठीक है सबसे कौन था, सबसे पहले बॉल पे जाएगा हम ही ने, अरे रुको ना भैया मैच स्टार्ट मत करो, चल हो गया अभी दिनेश, ये नाम का ले अमोल, ये लोग ये तो बताओ क्या तेरे को क्या चाहिए बता, अमोल दिनेश अमोल नहीं था, शारिक रजा और आमिर आमिर ने सबसे पहली बॉल पे क्या आया था बताओ, सिंगल, चार बॉल डॉट आई थी, चार डॉट आया उसके बाद सिंगल, चार बॉल डॉट चौका आया था, उसके बाद क्या आया था, उसके बाद लेग बाय आया था, लेग बाय का सिंगल, फिर उसके बाद दिनेश का हुआ, हेलो दिनेश, नमस्ते मैडम, मैं थोड़ा कार्यक्रम में बिजी हुई हूँ, छक्का मारा था, पहली बॉल पे छक्का मारा आमिर ने, हाँ करो ठीक, दूसरा बॉल टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओवर 11 अकोला ने, रोहित भैया चिल्लाते पड़ जाएंगे, अरे उसमें नहीं दिखेंगे, आप बताओ ना, आप तो नीचे हो, शाहरुख खान 6 करो, जब से बड़ा काम तेरे को दिया हुआ है स्कोरिंग का, एक मिनट सबसे बड़ा काम कर दिया था, एक मिनट दिनेश, दिनेश शाहरुख खान 6 रन पर एक छक्का लगा चुके हैं, आमिर खेल रहे 4 रन पर, एक मिनट रुको ना यार, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कर रहे हैं, दिनेश को बोलो, दिनेश हाँ
बस दिनेश को बुलाओ पहले भाई, इस पे अभी फोन यूज मत करना है ना एटलीस्ट, नहीं जो भी है क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली भी, और जो यहाँ पे यूटिलाइजिंग पर्सन है वही रुको, जो भी यहाँ पे यूटिलाइजिंग तेरे साथ कोई और काम किसी तरह से, मैं कह रहा तेरे साथ और कोई चाहिए, आपने दूसरा और डाल देना, निकाल लेंगे एटलीस्ट की बातचीत में चीजें ना बिगड़े। अच्छा एक मिनट, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया। वहाँ पर देखना है वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते, लेकिन एक रन को रोक नहीं पाए। अब बताओ स्कोर कितना हो गया, 21 रन हो चुके हैं, काफी आखिरी बताऊंगा, ये भी ठीक रहेगा। नहीं मालिक आप ये ना ऑनलाइन में देख के बताना, बहुत ही अच्छी गेंद फिर से रोक दिया वहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज, पहला ओवर महंगा जरूर साबित हुआ था, काफी आक्रामक बल्लेबाजी के तेवर दिखा रहे हैं जो कि शारिक खान। नो मैन लैंड, शानदार तो देखना है अंपायर का निर्णय, और इसी के साथ चार रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं किसी को, दर्शक बने खिलाड़ी, खिलाड़ी बने दर्शक, 25 रन बन चुके हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। शारिक खेल रहे 19 रन पर, शानदार दो छक्के और एक शानदार चौका लगा इस पिछली गेंद में। जुनेद खेल रहे जो कि अभी भी आए हुए, एक गेंद पर एक रन बना चुके हैं। सतीश बॉलिंग मार्क पर, रेंगरेज बेस्ट एंड की तरफ से, सतीश लेफ्ट आर्म ओवर, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, निश्चित तौर पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, चार रन के लिए मौका ताड़ कर खेल दिया था गेंद को शानदार तरीके से। 29
कितनी कितनी आक्रामक बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए शारिक खान दो चौके दो छक्के लगा चुके हैं और 23 रन पर खेल रहे हैं केवल 8 गेंदों में। फुल टॉस की मौका तार के गेंद को शानदार तरीके से उठा दिया, खिलाड़ी मौजूद है तैनात है मिड ऑन पर, गेंद एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 30 रन हो चुके हैं और केवल तीसरा ओवर चलता हुआ तीसरे ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार है सतीश, अभी तक 10 रन दे चुके हैं। लेफ्ट आर्म बहुत ही शानदार गेंद वहां विकेट कीपर यहां से चटक गई लेकिन एक रन वहां खिलाड़ी मौजूद थे तैनात थे थर्ड मैन के दिशा में और टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन 31, लॉस ऑफ 1 विकेट 3 ओवर की समाप्ति पर। सतीश का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 11 रन कोई सफलता हासिल नहीं की। अभी और 5 ओवर का खेल अभी है 30 गेंदों में। तबरेज को लगाया मोर्चे पर बॉलिंग एंड पर, तबरेज का स्वयं का पहला ओवर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। फील्डिंग की जमावट मिड ऑफ मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ फाइन लेग थर्ड मैन की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात और इसी बीच में तबरेज हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। लेफ्ट आर्म ओवर बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेल लिया है वह खिलाड़ी लेकिन मौजूद है गेंद को फील्ड करते जब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों के बीच में, इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 33 लॉस ऑफ 1 विकेट 4th ओवर टू प्रोग्रेस। तबरेज स्वयं का पहला ओवर और टीम के लिए दूसरी चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं काफी दूधिया रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम आरपीसीएल सीजन 6 के बीच में। गेंद हवा में लेकिन इतनी भी हवा में गेंद सीमा चारों के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, हवा में जरूर थी लेकिन इतनी भी हवा में नहीं उसको पकड़ सके। तेजी से उछलता हुआ कूदता हुआ दौड़ता हुआ भागता हुआ स्कोर पहुंचा 37 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। इस तरह का साथ चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर 80-90 का स्कोर जाएगा इस मैदान पर। पिछले मुकाबले में केवल 59 रन बने थे और 63 रन दूसरी टीम ने बनाए थे, देखना कितने रन जुटा पाते हैं। वो लेफ्ट आर्म ओवर पैड पर लगी वहां पर जब तक पॉइंट के स्थान पर जब तक गेंद को फील्ड करते लेग बाय का इशारा अंपायर टोनी द्वारा, एक रन आता हुआ इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 37 लॉस ऑफ 1 विकेट 4th ओवर टू प्रोग्रेस। रक्षात्मक तरीके से बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया उस गेंद को शारिक खान ने। शारिक खान खेल रहे 24 रन पर, 2 चौके 2 छक्के जड़ चुके हैं केवल 10 गेंदों में। फिर से मारने की कोशिश वहां पर लेकिन पूरी तरह से चूके वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, एक अतिरिक्त रन अंपायर की एक्सेस होते हुए एक रन मिलता हुआ उमर 11 अकोला को। एक गेंद मिलती हुई तबरेज अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए
ओहो बहुत ही शानदार स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फील्ड करते एक रन को रोक नहीं पाए शारिक खान को, और शारिक खान पहुंच गए इसी के साथ 25 रन और टीम का स्कोर पहुंचा। चालीस रन तबरेज, खराब गेंद, फुल टॉस गेंद को उठा दिया, शानदार तरीके खिलाड़ी मौजूद है, एक रन लेने से चूके नहीं और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 41। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 41 रन चार ओवर की समाप्ति पर। हमारे बीच में शारिक खान खेल रहे 25 रन पर, जुनेद पठान खेल रहे 9 रन पर, उठाए नहीं बंदा हो यहाँ जा नहीं काटे नहीं 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 अब उठाए ना, तुम्हारा नाम नहीं आता है, जीएम आ गया ना हमारे बीच में, नाम क्या जीएम खान, हमारे बीच में कमेंट्री बॉक्स में स्वागत इस्तेमाल उनका, नाम बोलो ना, अकोला में देख रहे लोग, नाम बोलो। शारिक खान 25 रन पर, जुनेद पठान 9 रन पर, टीम का कुल स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर, जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। 41 रन हो चुके हैं, आधी मंजिल पूरी हो चुकी है, अब 24 गेंदों का खेल बाकी है। ओहो कट करने की कोशिश वहां पर, तब तक गेंद को फील्ड करते एक रन गली के स्थान से जब आती हुई है, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 42 रन 42, लॉस ऑफ वन विकेट, फिफ्थ ओवर टू प्रोग्रेस। टॉस जीता था उमर 11 अकोला ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। अनमोल का दूर मैं नागपुर में, कौन सा हो भाई, हाँ तो मैं अकोला की टीम के यहीं तो बैठा मैं। अरे यार नहीं अभी नहीं कर रहा, क्यों तुम कहाँ बैठे? ओहो व्हाइट का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, इसी के साथ एक रन अतिरिक्त आता हुआ, एक गेंद और मिलेंगी उमर 11 को। काफी आक्रामक बल्लेबाज है शारिक खान और जुनेद पठान जी। कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, वहां खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, जब तक इनको फील्ड करते एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल 44 रन, जो कि ये आरपीसीएल सीजन 6 है, बहुत सारे छक्के देखने को मिलेंगे क्योंकि सीजन 6 है और इसका पहला मुकाबले में काफी अच्छे लंबे लंबे सिक्स लगे, दूसरे मुकाबले में भी काफी दो छक्के लगा चुके हैं शारिक खान अपने टीम के लिए। ओह काफी अच्छी गेंद थी लेकिन वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, काफी नपितुली उम्दा गेंदबाजी की जरूरत है यहां पर, थोड़े दिशा से भटक गए थे जो कि अनमोल। दूसरा ओवर चलता हुआ, हल्के हाथ से पुश कर दिया जब तक गेंद को फील्ड करते, वहां काफी लंबा उनको रन अप करना पड़ा, इसी की वजह से एक रन मिल पाया। काफी रन गति अच्छी है उमर 11 की, 10 के ऊपर से रन बना रहे हैं, 10 के ऊपर से रन, इस तरह रन बनते तो 80-90 का स्कोर जाएगा निश्चित तौर पर। सीधा क्या, कैच नहीं था, आसान सा कैच था ये, बिल्कुल एक समय लग रहा था का आसान सा ही विकेट का पतन होगा, ऐसा हुआ नहीं। नाम तो बोलो जरा, अकोला में लोग देख रहे हैं ना, मैं भूल गया था मेरा है, आपका नाम लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है, तीन बार बोलो जीएम खान बोलो, जीएम खान लोगों डीजे बना दो भाई। हमारे बीच में जीएम खान, काफी कमेंटेटर मेरे साथ दो चार टूर्नामेंट की कमेंट्री कर चुके हैं जीएम खान। ओहो लेकिन खिलाड़ी अरे है क्या, एक रन दो रन
दो रन से समाधान, काफी अच्छे। जीएम खान जो कि उनका मैं स्वागत करता हूँ, सवाल करता हूँ, जीएम खान बहुत ही अच्छे कमेंटेटर, अपने इसमें शानदार तरीके से अमोल का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। काफी तरीके से हावी होते हुए नजर आई है उमर इलेवन अकोला बॉलर पे, और जबरदस्त रणनीति बनाते हुए बहुत करारा स्ट्रोक निश्चित तौर पर सीमा रेखा गेंद जाती हुई तेजी के साथ, काफी बुलेट के समान गेंद जाती है, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। काफी जबरदस्त शॉट, एक्स्ट्रा कवर में मारने के लिए जाने जाते हैं मिस्टर। पांच ओवर के बाद में बढ़ती रन संख्या 57 रन लॉस ऑफ वन विकेट, 57 रन पर एक विकेट के नुकसान पे खेल रही उमर 11 अकोला, और काफी जबरदस्त बल्लेबाजी का भार संभालते हुए उमर 11 अकोला की तरफ से मिस्टर शारिक खान जबरदस्त खिलाड़ी। जीएम भाई कितना रन बनाएंगे आप कम से कम तीन ओवर में? मुझे लगता है यहां से अगर जितने भी रन लूटते हैं तो बैटिंग को बहुत ज्यादा बैट्समैन को फायदा होगा, और उमर 11 जो कि अभी हाल ही में एक फाइनल मार के आई है 51,000 का, जो 8 ओवर में जहां पे उन्होंने 120 रन प्लस स्कोर खड़ा किया था। जुनेद खान पठान तबरेज और सीधा लॉन्ग ऑन पे मार दिया है, सीधा बाउंड्री रेखा के पार, चार रन, जबरदस्त चार रन। हम तारीफ कर रहे थे मिस्टर शारिक खान ऑन स्ट्राइक का रेन पे खेल रहे हैं, और जुनेद पठान जो कि काफी जबरदस्त बल्लेबाज है, अभी तक कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिला हमें उनके बल्ले से, मगर आते के साथ ही उन्होंने भी दर्शाया कि हम किसी से कम नहीं। स्लो वन गेन और इसके साथ में विकेट का पतन, बहुत ही बड़ा झटका उमर 11 को जुनेद पठान के रूप में, दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ उमर 11 अकोला को। दोनों ही सूझबूझ के साथ जिम्मेदारी के साथ अच्छी साझेदारी निभाते हुए नजर आए थे वहां पे, बहुत बड़ा विकेट विदर्भ के टाइगर जिनको जाना जाता है आमिर रशद उर्फ पप्पू के रूप में विकेट गिरा था पहला, और दूसरे विकेट का पतन जुनेद पठान के रूप में, और चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मिस्टर असपर बाबा, असपर मिर्जा उर्फ बाबा, अशु बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जबरदस्त खिलाड़ी। RCPL टूर्नामेंट 2021 काफी मैं कह रहा था जीएम की जो आवाज है काफी दूर दूर तक जाती है, अकोला तक आवाज पहुंची है। ओह बहुत ही ओह क्या शानदार कैच लिया, कैचेस इन मैचेस लियो क्या जीतो, और इसी के साथ शानदार कैच लिया, और इसी के साथ ये 6 रन का इशारा देते हुए ऑडियंस, देखना होगा लाइव चल रहा है तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं टेक्निकल, हमारे पास में इंतजाम पूरा रखा गया है लाइव मैच। इसी के साथ में अंपायर डिसीजन और कमेंट्री बॉक्स से इशारा मिलते हुए 6 रन, बहुत ही शानदार तरीके से, काफी अच्छी फील्डिंग की थी अड्डे सर, क्या लगता था आपको? काफी जबरदस्त कैच का मुजाहरा देखने को मिला था वहां पे, और जो पैर है उनका टच हो गया था बाउंड्री रेखा के पार, तो इसको देख के क्या लगता है आपको? फील्डिंग तो काफी अच्छी की थी लेकिन वो अपने आप को बैलेंस नहीं संभाल पाए जो खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद, और टच हुआ उनका वाला पीछे का जो पैर, इसी वजह से वो इस शॉट को कहते हैं लकड़बक्कम दे धनादन, दे धनादन।
अब तो जैसा उनका लाइसेंस मिल गया है, इनसाइड एज हो सकता था वहां पे, मगर कीपर की पहुंच से काफी दूर और फील्डर वहां पे मौजूद, मगर कोई भारी संकोच नहीं। इसी के साथ अंपायर का इशारा, चार रन गेंद आती हुई। शारिक खान 36 रन पर, जो कि लगातार तीसरे 50 की तरफ अग्रसर होते हुए। उमर 11 खास एक लेजेंडरी क्रिकेटर गुजरे हैं अकोला से, अच्छू कप्तान, काफी अच्छे क्रिकेटर थे वो, अभी उनका दौर खत्म हो गया। लेजेंडरी क्रिकेटर अच्छू कप्तान नाम से अकोला में। वो फिर से मारने की कोशिश, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, कुछ अलग करने की कोशिश की, रत्नपक तरीके का स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां मिर्धा ने, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ा क्योंकि खिलाड़ी मौजूद थे और टीम का स्कोर पहुंचा 72-72 दो खिलाड़ी के नुकसान पर। शाहरुख खान 36 रन पर, मिर्धा खेल रहे 11 रन पर। तबरेज चल रहा, कुछ नहीं होता ना, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। ओहो, गेंद जाते यदि वहां पे यदि होता तो छक्के के लिए प्राइज मिल सकता था। इसे कहते हैं हेडेसन। धाकड़ बल्लेबाज, जबरदस्त तेज तर्रार फुर्तीले जाबाज, चार चौके और तीन शानदार छक्के, गगनचुंबी भी छक्के लगा चुके हैं और तीनों भी छक्के हेडेसर जो है रिवर्स में मारा है। हाँ। क्या कहते हैं इस बल्लेबाजी के लिए आप? अब मैं सोचता हूँ ये जो एबिडी विलर्स मारते थे, वार्नर मारते कभी कभी, तो वही बल्लेबाज का नाम आप भूल गए, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल काफी दुनिया रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम। आज का दूसरा मुकाबला उमर 11 ने इसी वजह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, सही फैसला। टुडे स्कोर 78 ऑन द टॉस फॉर उमर 11 एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, टोटल स्कोर 78 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आबेल मुझे मार वाली परिस्थिति देखने को मिली वहां पे बॉलिंग टीम के द्वारा। अंपायर का इशारा नो बॉल और एक तोहफा फ्रीड का, इस तोहफा के कितना कबूल करते हैं देखना पड़ेगा। और ये जो नो बॉल दिया गया है 38 सर्कल के बाहर, 5 ही प्लेयर अलाव किए जाते हैं क्रिकेट के नियम के अनुसार और छठा प्लेयर भी बाहर था। मैं यूट्यूब पे जो भी प्रेक्षक और दर्शक देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा ये नो बॉल उसी का है। और अभी अभी मालूम पड़ा है कि लेग स्टंप पे जो है लेग साइड की ओर 6 प्लेयर फील्डिंग कर रहे थे, उसी का नो बॉल दिया गया है क्रिकेट नियम अनुसार, जो कि ऐसा नहीं होता है। काफी बड़ा नाम टीम स्टार बॉयज वेलकम, बॉलिंग का भार संभालते हुए मिस्टर शैलेश कीपर की भूमिका निभाते हैं। फ्रीट लागू,
फुल टॉस गेंद मिली थी वहां पे, फ्री हिट था, मगर कोई भारी संकोच नहीं देखने को मिला और अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री कंटिन्यू। एक और फ्री हिट, मानो बॉलर अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे एक नो बॉल देखने को मिला था, जो कि लेग साइड फील्डर छह थे मौजूद, उसके बाद में जो है हाइट का नो मिला है और अब फ्री हिट का सामना करेंगे मिस्टर आसपर, मिर्जा आसपर अश्शु बाबा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, काफी आक्रामक तेवर अपनाए हैं मिर्जा ने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में वाइड करार देते हुए और फ्री हिट लागू। मीटर का छक्का, पांच गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं मिस्टर अश्शु बाबा। फिर से ऑफ स्टंप की जानी, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, काफी महंगा ओवर घटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सतीश ने 22 रन दे चुके हैं, केवल दूसरा ओवर चलता हुआ सतीश का स्वयं का, और 23 रन दे चुके हैं अभी तक, काफी महंगे साबित हो रहे हैं सतीश। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, दिशाहीन गेंद, फिर से एक एक्स्ट्रा रन उमर 11 की झोली में आता हुआ। 3,000 से भी ज्यादा लोग जो कि आकोला में आनंद ले रहे हैं इस मैच का, 3,252। सीधा आउट ऑफ द पार्क, जबरदस्त छक्का, एक बॉल दे दे भैया, एक और बॉल दूं, लो पूरी तरह रेडी थे, तैयार थे, उन्हें पता थी शायद लेग स्टंप पे लोअर फुल टॉस गेंद आएंगे और उसे पूरा पिक किया और सीधा स्टेडियम के बाहर दे मारा है, अभी तक का सबसे ज्यादा लंबा छक्का, 102 मीटर का छक्का ये। नहीं 49 49, इसी के साथ मात्र एक रन दूर अपने अर्धशतक से मिस्टर शारिक खान, एक्स्ट्रा कवर में खेलने के लिए टेनिस टूर्नामेंट में माहिर बल्लेबाज, बैक टू बैक तीसरा अर्धशतक होगा इनका हार्डेस्टर, अभी सेमीफाइनल और फाइनल से जो है दो अर्धशतक जड़ के आए हैं और तीसरा अर्धशतक होगा इनका और बहुत बड़ा टूर्नामेंट RCPL 2021, काफी बड़ा टूर्नामेंट ये विदर्भ का। और इस छक्के के साथ में बढ़ती रन संख्या जा पहुंची है 97 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पे 97 रन पे जा पहुंचा स्कोर। RCPL वो बोला घूमकर रहता ना, वो घूमता रहता है, होता ऐसा RCPL, काफी आक्रामक बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए शारिक खान, मिर्जा अक्सर बाबा, इसी वजह से देखिए अर्डे सर कितना लंबा छक्का मारा है कि बॉल ढूंढने में दिक्कत हो रही है।
बहुत ही आधा रेडियो का बाहर, इसलिए 102 मीटर का छक्का जी। और चौथा छक्का लगाया यहाँ पे शारिक खान ने, 4 चौके 4 छक्के जी। आरपीसीएल का सबसे बड़ा छक्का आज के दिन का। बॉल ढूंढने में इतना समय लगा और बॉल आखिर ले आए। हाँ चालू। आज के अंपायर टोनी और नवीन काफी तजुर्बेदार अंपायर है, काफी उनको अनुभव है टेनिस टूर्नामेंट के अंपायरशिप का। दोनों को काफी महंगा ओवर घटता हुआ इस इनिंग का और आज के दिन का। फिर से वहां पे फील्डर तैयार ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास में गेंद आ रही है। और इसी के साथ 50 केवल सबसे कम गेंदों में छक्के 50 मारने वाले शारिक खान, केवल 19 गेंदों में 50 रन आज तक रिकॉर्ड था 22 गेंदों का, और इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ डाला है शारिक खान ने। मात्र 19 गेंदों में 50 रन, बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इस 50 रन के बाद आप सोच सकते हैं कि कितने ऊंचे लेवल के प्लेयर है मिस्टर शारिक खान। लगातार तीसरा, अरे बाप, फिर से ऐसी गेंद की ऐसी ध्वनि आई, गेंद सीमा रेखा के सौ के पार जा पहुंचा स्कोर उमर 11 कोलाखा। निश्चित तौर पर दिशाइन गेंद, अंपायर का फिर से इशारा, वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन यहां पे उमर 11 की झोली में। ओवर जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। धक्के लग रहे हैं, धक्के पे धक्के लग रहे हैं दिल को, और छक्के पे छक्के लग रहे हैं बल्लेबाजों के। हाँ फिर से पूरी तरह पहले कितना महंगा वो साबित होता हुआ। अभी तक 32 और दो बॉल जो के आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द स्टेडियम हो चुके हैं। 7 ओवर के बाद में बढ़ती रन संख्या मानो थम नहीं रही, 111 रन थ्री विकेट के नुकसान पे। क्रिकेट की लैंग्वेज में 3 nails 1 1। देखिए जितनी तारीफ हम शारिक खान की कर रहे थे उतनी तारीफ अस्पर बाबा की भी करनी होगी। 8 गेंदों में 31 रन जड़ दिए हैं, 4 छक्के और 1 चौका। ये होता है जीएम भाई, तरबूजे के देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। शाहरुख को देखकर मिर्जा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। दिनेश को लगाए मोर्चे पर, राइट आर्म ओवर विकेट, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीधी गगन चुंबित, 117 रन हो चुके हैं। लगातार दूसरा छक्का और बहुत ही महंगे साबित होते हुए दिनेश 21 रन दे चुके अपनी टीम के। नागपुर में आगे अपना पल्ला भारी करते हुए
पटकी में गेल और फिर से एक शॉट बुआ, दूसरा भी छक्का, फिर बुआ तीसरा भी छक्का। देख रहा हूँ कैच हो सकता है, वहां पे फील्डर मौजूद और इसके साथ में इस पारी समाप्त हुई। शायद मुझे लगता है जो कैच छूटा था मिस्टर शारिक खान का, उसका भरमार उठाना पड़ा यहाँ पे स्टार बॉयज भिलगांव को। विकेट का पतन मिस्टर शारिक खान के रूप में, मात्र 22 गेंदों में 68 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हुए शारिक खान। 310 रन रेट के हिसाब से बनाए हैं। बैक टू बैक तीसरा के साथ उनका स्वागत करते हुए साथी खिलाड़ी। बैक टू बैक तीसरा अर्धशतक जड़ा इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट में। और अब अगले बल्लेबाज पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जबरदस्त धाकड़ खिलाड़ी कौसर। कौसर मानो हर बार हर बॉल पे ये सोच के आया है कि हमें मारना है बाहर 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 गेंद। इमरान खान बोलता है क्या नाम है शोहेब कौसर। आते के साथ ही इन्होंने दर्शाया कि देखिए मेरी बल्लेबाजी कितनी पावरफुल, कितनी एग्रेसिव। और धाकड़ है शॉर्ट पिच गेंद, इसके साथ में कैच, इसी के साथ स्लो वन गेंद डाल दी थी, इसी के साथ में विकेट का पतन। क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है ओवर में मात्र जो है 41 रन थे उमर 11 अकोला के अड्डे सर, 41 रन थे मात्र और 94 रन ठोक दिए यहाँ पे चार ओवर में 94 रन। वो जो कैच निकला उनके हाथ से जो गया कहीं ना कहीं वो शायद आ जाता हो दुख का कारण बन सकता है वो। अभी मैच बाकी है, 50% ही मैच हुआ है। साई स्टार बॉयज भिलगांव अभी हाल ही में इन्होंने फाइनल मारा है कामटी का, कोई छोटी टीम नहीं अच्छी टीम है। मगर तारीफ करना चाहूंगा मैं उमर 11 अकोला की जो कि 250 किलोमीटर से आए हैं, 250 किलोमीटर दूरी तय करके और आरपीसीएल में अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रही है उमर 11 अकोला। काफी बड़े नाम, काफी बड़े प्लेयर इसमें कप्तान की भूमिका जो उमर 11 के है निभाते हैं, आमिर रशद उर्फ पप्पू, शारिक खान, मिर्जा असफर बेग, अशु बाबा, जुनेद पठान, विक्की भोपलेकर, मिस्टर अब्दुल्ला, मिस्टर समीर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है और एक और मिस्टर समीर जिन्हें समीर शिवनी के नाम से जाना जाता है और सबसे लेजेंडरी क्रिकेटर एक्सपीरियंस खिलाड़ी मिस्टर जावेद अली सर। काफी बड़ी टीम, काफी बड़े नाम, काफी बड़े दिग्गज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उमर 11 अकोला की। और साई स्टार बॉयज भिलगांव में भी काफी बड़े नाम, काफी चर्चित टीम ये भिलगांव की, ग्रामीण एरियो में काफी जबरदस्त टूर्नामेंट खेलते हैं और जाने जाते हैं अपने खेल को लेके, अपने खेल के प्रति। अड़तालीस गेंदों में 136 रन बनाने होंगे अगर स्टार बॉयज नाग भिलगांव को इस मैच को जीतना है तो, आसान बात नहीं है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है, मुश्किल तो हर चीज रहती ही है। शायद
सोचा भी नहीं ये इतना बड़ा स्कोर बनेगा। पर शारिक की जो तूफानी बल्लेबाजी, तूफान उड़ा ले आया, काफी हर गेंदबाजों की उन्होंने धुलाई की। उमर इलेवन मिर्जा, क्या लगता है आपको हरडे सर, उमर इलेवन 136 का टारगेट रखा है इन्होंने, और बल्लेबाजी में आप स्टार बॉयज को क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मुझे तो लग रहा है काफ़ी बड़ा टारगेट है, लेकिन ये टेनिस का टूर्नामेंट है, जैसा एक ओवर 25-30 का मिल गया और कोई तूफानी बल्लेबाज जैसा शारिक जैसी बल्लेबाजी करना पड़ेगा, जुनेद जैसी बल्लेबाजी करना पड़ेगा, तब ये लक्ष्य थोड़ा सा हो पाएगा। लेकिन गेंदबाजी भी उतनी सशक्त है उमर इलेवन अकोला की, मुझे नहीं लग रहा। पाचक मिनट इंग्लिश में तो करो सर, ऐसा एकदम फ्लुएंट वाली। मुझे लगता है कि उमर इलेवन अकोला की तरफ से सबसे सीनियर खिलाड़ी जावेद अली सर, जिनको सर के नाम से जाना जाता है, और अड्डे सर मैं सिर्फ दो ही जनों को सर बोलता हूं, एक सर एबीडी विलियर्स और एक जावेद अली सर, लेजेंडरी क्रिकेटर अकोला के, जबरदस्त खिलाड़ी, धाकड़ खिलाड़ी, धाकड़ ऑलराउंडर। बैटिंग लाइनअप में जो डेप्थ है अकोला के पास में, और जो हार्ड हिटर है, कभी कभी कप्तान खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे बैटिंग के लिए भेजना है। आप देख ही सकते हैं, पहली बार मौका आया कि पूरी अकोला टीम, उमर इलेवन अकोला आई है यहाँ पे खेलने के लिए आरपीसीएल टूर्नामेंट 2021। स्टार बॉयज तैयार, 136 रनों का स्कोर खड़ा किया है, 135 रनों का स्कोर खड़ा किया, 136 रनों की दरकार जीतने के लिए, लगभग 16.50 के ऊपर जाता हुआ रन रेट प्रति ओवर के हिसाब से खेलना होगा। और हमारे जाने माने दोनों ही अंपायर आरपीसीएल के खास, मिस्टर टोनी और मिस्टर नवीन, 3 साल से ये आरपीसीएल टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा 6 साल से आरपीसीएल टूर्नामेंट में ये अंपायरिंग कर रहे हैं, और जबरदस्त अंपायरिंग अभी तक 6 साल में जो कि देखने को नहीं मिला। इनके डिसीजन में कोई भी गलत चीज हुई हो, अब बल्लेबाजों का इंतजार करते हुए उमर इलेवन अकोला शायद बल्लेबाजी देखते हुए कौन बल्लेबाजी करने के लिए आएगा उसके हिसाब से बॉलिंग सजाएंगे, बॉलर्स को बॉलिंग के लिए लगाएंगे। 136 रनों की दरकार जीतने के लिए। जी भाई, एक सवाल मेरे मन में आया। जी जी हरडे सर, जिस तरीके से उन्होंने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, उनको पूरा भरोसा था बल्लेबाजी के ऊपर? आपने कहा जैसा कि कोच किसको भेजे पहले, वन डाउन किसको, सेकंड डाउन, टू डाउन, ओपनिंग की। जी जी, तो सभी पूरा 9th से 10th तक बल्लेबाजी के शायद पूरा ऑलराउंडर भरे होंगे, इसका नतीजा है। रोहित सर से मेरी गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स में जो है 2 मिनट आए मिस्टर रोहित सर।
देखिए जिस तरीके से आप बता रहे थे अडे सर के पूरा उमर 11 को अपने आप पे भरोसा था, तो आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि मैं बेसिकली अकोला से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे जहाँ तक मालूम है उमर 11 अकोला आखिरी 11 नंबर तक इनके पास बल्लेबाजी है और इतनी उच्च स्तर की टीम है कि ये 11 के 11 बॉलिंग भी डाल सकते हैं, मगर जो है जो टॉप फोर रहेंगे टॉप फोर और टॉप फाइव वही बॉलिंग डालते हैं और जो 11 में से टॉप फाइव बैट्समैन रहते हैं वही ऊपर आते हैं, अक्सर हमें देखने को मिलता है। कभी कभी कप्तान को लगता हुआ किसको भेजा जाए, तो ऐसा कभी हुआ मौका कभी? जी बिल्कुल हुआ है ना जी, कप्तान ने खुद अपने आप को कुर्बान करके दूसरे बल्लेबाज को ऊपर भेजा है, जबकि विदर्भ टाइगर के नाम से जाने जाते हैं आमिर रशद उर्फ पप्पू जो ओपनर बल्लेबाज आए थे, आज कुछ बल्ला खास चला नहीं उनका, मगर बहुत आला दर्जे के बल्लेबाज। और मैं इस खिलाड़ी के बारे में बता दूं आपको कि वो लेवल के बल्लेबाज है कि जो सुप्रीमो चषक खेला जाता है 5.5-6 लाख रुपए का टूर्नामेंट जो कि मुंबई में होता है, वो भी ये खेल चुके हैं और एक बल्लेबाज जो हमें कमी खली है आज, हालांकि बहुत अच्छा खेले हैं, मिस्टर जमीर खत्री उर्फ जम्मू भाई करके नाम है उनका, तो वो आज देखने को नहीं मिले हमें उमर 11 में, मैं चाहूंगा कि आगे भी वो हमें देखने को मिले, काफी धाकड़। वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं और मिस्टर आमिर रशद उर्फ पप्पू जो सुप्रीमो चषक खेल चुके हैं मुंबई में और ये हर जगह जाके खेलते हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो रत्नागिरी, गोवा, मुंबई, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद। जब मैंने गुजरात नाम ले लिया तो आप समझ जाइए पूरे गुजरात में टूर्नामेंट खेलते हैं, इन्हें टेनिस क्रिकेट के बादशाह जैसा जी बिल्कुल। 136 रन बना और अभी हाल ही में जो है एक अनाउंसमेंट हुआ है, लास्ट ईयर एपीएल अकोला प्रीमियर लीग करके एक टूर्नामेंट हुआ था मिस्टर मुनकिर भैया के उपस्थिति में, जो कि मुनकिर भैया जो बहुत बड़ा नाम है एक अकोला में, मिस्टर नकीर खान, मुनकिर भैया, मन्नू भाई, शाहिद इकबाल, ये जो है तो काफी बड़े नाम, इनका सपोर्ट, शाहिद इकबाल, मन्नू भाई और जो है इनका साथ मिला है मुनकिर भैया को, और मुनकिर भैया जो कि नाम जाना जाता है बहुत बड़े लेवल पे अकोला में, इन्होंने एपीएल टूर्नामेंट का आगाज शुरू किया था लास्ट ईयर, अभी जो है दूसरा साल है और दूसरे साल में जो है काफी चर्चित और बहुमूल्य रूप से सक्सेस होता हुआ एपीएल टूर्नामेंट जो कि अभी 22 दिसंबर से जो कि शुरुआत होने जा रही है, जिसमें ऑक्शन होते हैं, प्लेयर के ऑक्शन होते हैं, प्लेयर उसमें आईपीएल की तरह ऑक्शन होते हैं। एपीएल टूर्नामेंट उसमें जो है अपना हुनर आजमाते हैं अच्छे अच्छे क्रिकेटर। और मैं बता दूं आपको कि बहुत तारीफ हो गई हमारे अकोला की, क्योंकि हम अकोला वाले जहाँ भी जाते हैं हमारे शहर की तारीफ ही करते हैं। और ये टूर्नामेंट आरपीसीएल टूर्नामेंट आरपीसीएल 2021 सीजन 6 जो कि अभी तक सबसे सक्सेसफुल और ग्रेट टूर्नामेंट विदर्भ का जाना जाता है आरपीसीएल टूर्नामेंट 2021। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ इश्यूज की वजह से मैच को रोका गया है, बने रहे हमारे साथ ऑनलाइन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस मैच को।
पूरे तू बस वो याद किया लेकिन साला सच्ची में तू भाई का डायरेक्टली देखा और दर्शकों का मैं काफी शुक्रगुजार हूं आरपीसीएल टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से जो कि अभी तक बने हुए यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं और हमारी ऑडियंस भी जो ग्राउंड में बैठ के हल्की हल्की सी ठंड नजर आते हुए, अक्सर नजर नहीं आती है ठंड मगर आज नजर आ रही है दुआरियों में। मैच में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से रोका गया है। और हेलो इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी फ़ोन आते हुए कि मैच क्यों रुका है। अब मैच जो है सेकंड इनिंग का आगाज़ हो चुका है। बॉलिंग का वार, जी हाँ, मैं कह रहा था आपसे कि हम देखेंगे पहली ओवर डाल रहे हैं जावेद अली सर। पटकी हुई गेंद मगर उछाल नहीं था गेंद में और काफी तेज सरार फुर्तीले जाबाज फील्डर वहां पे जुनेद पठान, बॉल तेजी से फेंका, एक रन पहली गेंद पे चुरा लिया वहां पे बल्लेबाज ने। मिथिलेश के बल्ले से पहली गेंद पे पहला रन जावेद अली सर पहली ओवर लेकर आ रहे हैं उमर इलेवन अकोला की तरफ से। सामना करेंगे पहली बार सोनू मिस्टर जावेद अली का, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट एंड लेफ्टी कॉम्बिनेशन। ऑफ स्टंप की जानी खेल दिया, एक रन तेजी से चुराने में कामयाब, इसी के साथ में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और नए बॉल से सीधा हिट कर दिया डीप मिड विकेट के जानिब, अंपायर का सारा 6 रन, पहला छक्का यहां पे सेकंड इनिंग का। स्टार बॉयज बिलगांव की टीम ही है। इसके साथ में बैट छूट गई थी हाथों से और शायद कीपर ने भी बॉल छोड़ दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, चतुर चालाक जाबाज और WDZ जो कि मिस्टर आशीष बहु डागा, WDZ चैनल पे ये लाइव टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है RPCL 2021। काफी बड़ा नाम आशीष बहु डागा ऑनलाइन लाइव टूर्नामेंट। फिर से और खेल दिया उसे डीमेड क्रिकेट, तीन फील्डर तैनात वहां पे तेज तर्रार फुर्तीले मिस फील्डिंग होते हुए कौशल से अक्सर देखने को नहीं मिली है वहां पे, एक रन तेजी से चुरा लिया और दूसरे रन की मांग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी के साथ में 2 रन। फुर्तीले फील्डर है कौशल मगर
दो रन आसानी के साथ चुरा लिए। स्लो वन गेंद और इसके साथ में इनसाइड एज हुआ, रन आउट का चांस नहीं था, एक रन आसानी के साथ चुरा लिया। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद में स्टार बॉयज बिलगांव बिना किसी नुकसान के 12 रन। हर ओवर में दो से तीन हिट लगाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है स्टार बॉयज बिलगांव को। अभी हाल ही में इन्होंने कामटी का फाइनल मारा था 31,000 का। स्टार बॉयज 11 में जो है मेरे खास मित्र, बहुत अच्छे दोस्त, और अब बॉलिंग का भार संभालते हुए उमर 11 अकोला की तरफ से आए हैं जुनेद पठान। भटकी हुई गेंद, खेल दिया है वहां पे विक्की और इसके साथ में कैच। अक्सर देखने को नहीं मिलता वहां पे विक्की भोपलेकर और विक्की शाकुर के नाम से जाने जाते हैं ये। हेलो हेलो, भाई माइक बंद हो गया। हेलो बंद हो गया भाई। हेलो